हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. सो टुडे आई एम बैक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन किंगडम ऑफ लर्निंग. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 ऑफ द बुक हॉर्नबिल एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. सो बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन और द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, लेट मी आस्क यू वन थिंग. हाउ मच यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स? आई थिंक वेन वी टेक द नेम ग्रैंड पेरेंट्स तो सबके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सब लोग बहुत प्यार करते हैं. अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा आप लोग आई थिंक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के क्लोज होते हैं. सेम इज द केस विद मी. आई ऑल्सो स्टिल रिमेम्बर माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की स्टोरी पे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो आई थिंक टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ग्रैंड मदर के बारे में बात की गई है. और किसकी ग्रैंड मदर के बारे में? खुशवंत सिंह, जो राइटर खुद है. मीन्स खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड ही इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द बॉन्ड दैट ही शेयर्ड विद हिज ग्रैंड मदर. तो अब हम बुक में से एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं स्टोरी का. तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. और जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि जिस तरह किसी की भी ग्रैंड मदर होती है, सिमिलरली उनकी ग्रैंड मदर भी एक ओल्ड लेडी थी. उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और वो एक व्हाइट साड़ी पहनती थी और वो चुपचाप पूरे घर में एक घूमती रहती थी. एक रोजरी जो होती है, एक जपड़े वाली माला जो होती है, उसको रोजरी बोलते हैं, RoSARY. तो वो रोजरी हाथ में लेके माला जपती रहती थी, मुंह में प्रेयर कहती रहती थी और वो सारा दिन घर में पीसफुली घूमती थी. तो उसके बाद खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि जब कभी उनकी ग्रैंड मदर उनको बताती थी कि कभी वो भी यंग और प्रिटी होती थी. मींस कभी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर अगर उनको ये बताती थी कि किसी जमाने में वो भी खूबसूरत होती थी, वो भी छोटी बच्ची होती थी, कहानियां सुनती थी, तो सारे घर के जो बच्चे थे वो हंसने लग जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो एक बूढ़ी औरत है, ये यंग कैसे हो सकती है, ये प्रिटी कैसे हो सकती है. बट एक चीज है यहाँ पर कि खुशवंत सिंह ने ये बोला है कि ऑल्दो हिज ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट स्टिल शी वॉज ब्यूटिफुल. अब ये जो लाइन है इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी इसमें से पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह वॉज नॉट प्रिटी बट स्टिल शी वॉज ब्यूटिफुल. तो हियर यू हैव टू आंसर कि ही लव्ड हर सो मच एंड द वे शी मूव्ड अराउंड इन द हाउस दैट वे ही लव्ड हर बिकॉज शी लुक्ड लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स. मीन्स जिस तरह से वो एक व्हाइट साड़ी पहन के बिल्कुल प्योर लगती थी, बिल्कुल एक पीसफुल जो उनका अपियरेंस था, कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करती थी, तो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी वो खुशवंत सिंह को, क्योंकि वो उसकी ग्रैंड मदर थी. अब उसके बाद खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनके घर में एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ था. वो पोर्ट्रेट एक 100 इयर्स ओल्ड मैन का फोटो था. मींस उसमें एक हार लगा हुआ था और उस ओल्ड मैन ने एक टर्बन पहना हुआ था सिर के ऊपर. टर्बन मीन्स एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और वो फोटो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर का था. अब उसको देखकर भी बच्चे मजाक उड़ाते थे कि ये तो एक ग्रैंड फादर ही हो सकते हैं, ये आदमी कभी किसी के फादर या हस्बैंड नहीं हो सकते. तो दिस इज अगेन अ फनी थिंग. सो नाउ वी कम टू द रूटीन दैट खुशवंत सिंह शेयर्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज. इन द विलेज मीन्स क्योंकि स्टोरी के दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा विलेज में सेट हुआ है और जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा सिटी लाइफ के बारे में है, सिटी में सेट हुआ है. क्योंकि पहले खुशवंत सिंह विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो सिटी में चले गए थे उनको छोड़कर ग्रैंड मदर के पास. तो अब विलेज में उनकी क्या लाइफ का रूटीन क्या होता था कि सबसे पहले ग्रैंड मदर उनको ही जगाती थी खुशवंत सिंह को, फिर वो उनको नहलाती धुलाती थी, नहलाते हुए भी वो उनको प्रेयर सुनाती रहती थी और फिर उसके बाद वो उनको बटर और मींस स्टील चपातीज जो होती थी ये उनका ब्रेकफास्ट होता था, उसके ऊपर शुगर डाल के. और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उनकी स्लेट वगैरह जो भी सामान होता था उसको एक पोटली में बांध के, पुराने टाइम की स्टोरी है तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता था, तो उनको वो लेकर स्कूल चली जाती थी.
आप जितनी देर खुशवंत सिंह स्कूल में बैठ के पढ़ाई करते थे उतनी देर ग्रैंड मदर भी टेम्पल में ही रहती थी, जो टेम्पल जो कि स्कूल के साथ ही था। क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर इन टेम्पल्स ओनली, और जो प्रीस्ट होता था, जो पुजारी होता था मंदिर का, वो ही टीचर होता था, तो वो पढ़ाता था बच्चों को। और ग्रैंड मदर जो है वो स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स, रामायण महाभारत वगैरह ये सब पढ़ती थी। और फिर उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते थे। जब वो वापस आ रहे होते थे तो रास्ते में कुछ स्टील चपातीस जो बच जाती थी वो ग्रैंड मदर जो है वो स्ट्रे डॉग्स, जो गली में घूमने वाले डॉग्स होते हैं, वो उनको खिलाते हुए वो वापस घर आ जाती थी। घर आने के बाद भी वो खुशवंत सिंह की होमवर्क में हेल्प करती थी, क्योंकि उन स्क्रिप्चर्स उन रिलीजियस बुक्स के बारे में उनको पता होता था। मीन्स उनकी जो पढ़ाई होती थी वो ग्रैंड मदर भी करवा सकती थी। अब इस तरह से उनका रूटीन विलेज में चल रहा था। और फाइनली क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है खुशवंत सिंह की लाइफ में। वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेटल हो चुके हैं, और अब वो खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर दोनों को सिटी में बुला लेते हैं। तो अब वो जब सिटी में आ जाते हैं तो अब खुशवंत सिंह की लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन आप देखेंगे विलेज लाइफ और सिटी लाइफ के बीच में, कि सिटी में आते ही अब खुशवंत सिंह को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया जाता है। वहां पे वो बस से जाने लग जाते हैं। पहली चीज ये होती है कि खुशवंत सिंह पहले ग्रैंड मदर के साथ स्कूल जाते थे, अब वो बस में स्कूल जाने लगते हैं और ग्रैंड मदर उनको छोड़ने नहीं जा सकती। दूसरी चीज ये होती है कि अब खुशवंत सिंह की जो पढ़ाई होती है वो भी अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है? पहले वो रामायण महाभारत इन सब चीजों के बारे में पढ़ते थे विलेज के स्कूल में, अब सिटी के स्कूल में वो क्या पढ़ने लग गए? वो इंग्लिश पढ़ने लग गए, वो साइंस मैथ्स इवन म्यूजिक भी पढ़ने लग गए। तो अब ये चीजें जब उन्होंने ग्रैंड मदर को घर पे आगे बताते थे तो ग्रैंड मदर नाराज हो जाती थी कि ये क्या तरीका है, ये क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, कि रिलीजन के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं है। इवन जब उनको पता चला कि उनके ग्रैंडसन को म्यूजिक की क्लासेस भी दी जा रही है तो बहुत नाराज हुई इस चीज से, क्योंकि उनको लगता था कि म्यूजिक जो है वो अच्छे घर के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। म्यूजिक जो है वो ये तो बेगर्स और जो हैवलॉट्स होती हैं, जो नाचने गाने वाली औरतें होती है, तो उनका काम है। मतलब ये ग्रैंड मदर की थिंकिंग थी। तो इससे पता चलता है कि वो अपने रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा मीन्स कंसर्न थी। अब उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। ग्रैंड मदर कभी कभी थोड़ा बहुत अपनी नाराजगी दिखाती हैं, बट जब उनको लगता है कि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा तो वो चुप रहने लग जाती हैं। अब वो सारा टाइम अपना स्पिनिंग व्हील पे मीन्स चरखा काटने में और अपनी जो बीड्स होती हैं रोजरी की उनको मीन्स जपती रहती हैं, माला जपती रहती हैं और अपनी प्रेयर्स करती रहती हैं। और दिन में शाम के टाइम हाफ एन आवर में वो स्पैरोज आ जाती हैं उनके घर में कोर्ट यार्ड में, वो उनके साथ खेलती हैं। मीन्स पहले वहां पे विलेज में डॉग्स थे, यहाँ पर स्पैरोज हैं। मीन्स इट शोज दैट ग्रैंड मदर हैज ग्रेट लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फॉर नेचर, यू कैन सी। तो अब दैट हाफ एन आवर वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर डे व्हेन शी वॉज इन द कंपनी ऑफ द स्पैरोज। कि स्पैरोज के साथ जो वो हाफ एन आवर बिताती थी वो उनके दिन का सबसे खुशी का टाइम होता था। तो यू कैन सी कि हाउ द ओल्ड लेडी इज बीइंग इग्नोर्ड बाय हर फैमिली मेंबर्स बिकॉज दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ, वी कांट ब्लेम देम, सो शी हैज टेकन हर रेफ्यूज विद द स्पैरोज। सो इस तरह से अब उनकी लाइफ चल रही होती है। अब खुशवंत सिंह का स्कूलिंग ओवर हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं। तो पहले वो ग्रैंड मदर के साथ एक ही रूम में रहते थे, अब वो रूम भी उनका अलग हो जाता है। तो द ओनली लिंक बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर दैट इज ऑल्सो स्नैप्ड। मतलब जो पहले एक कॉमन चीज थी, कम से कम वो एक रूम में रहते थे, अब वो भी अलग हो जाता है। तो एक और पॉइंट आ जाता है। अब खुशवंत सिंह को एब्रॉड जाना है 5 ईयर्स के लिए, तो ग्रैंड मदर भी उनको सी ऑफ करने जाती हैं। और जब वो जाने वाले होते हैं तो वो उनको फॉरहेड पे किस करती हैं। खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद वो उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट है, बिकॉज 5 ईयर्स के बाद जब वो वापिस आएंगे तो शायद ग्रैंड मदर पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, बिकॉज इन एट दैट एज नोबडी कुड से आनी थी बिकॉज शी वॉज एन ओल्ड लेडी। बट 5 ईयर्स के बाद वो वापिस आते हैं और वो पाते हैं कि ग्रैंड मदर सेम वैसे की वैसे उनकी वेट कर रही होती है रेलवे स्टेशन पे, वैसे ही ओल्ड लेडी साड़ी पहनी हुई है और वैसे ही उनका हाथ जो है वो रोजरी है एंड उनके लिप्स जो है वो साइलेंट प्रेयर में मूव कर रहे हैं। सेम वही, ना उनके चेहरे पर कोई खुशी का एक्सप्रेशन है ना ही कोई गम का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से वो जो एक ओल्ड लेडी है वो उनकी वेट कर रही होती है। लेकिन घर आकर ग्रैंड मदर की रूटीन में कुछ चेंज आता है।
क्या चेंज आता है कि उस दिन वो थोड़ी देर के लिए अपने प्रेयर को छोड़ देती हैं और नेबरहुड की लेडीज को इकट्ठा करती हैं, एक ढोलक लेती हैं, एक टूटा फूटा ड्रम लेती हैं और उसको बजाती हैं और वो गाने गाने स्टार्ट कर देती हैं। गाने कौन से? जो जब वॉर होता है तो जो सोल्जर्स जब घर वापस आते हैं तो उनके घर की लेडीज उनको वेलकम करने के लिए जो सॉन्ग्स गाती हैं, उस तरह से वो सॉन्ग्स गाती हैं, बहुत खुश होती हैं। मतलब लाइफ में पहली बार खुशवंत सिंह को लगता है कि उनकी ग्रैंड मदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। नहीं तो वो हमेशा चुपचाप अपनी कमर पे एक हाथ रख के, क्योंकि उनकी बैक में एक स्टूप होता है तो उस पे हाथ रख के और अपने दूसरे हाथ से वो माला जपते हुए बस चुपचाप ही घर में रहती थी, कभी किसी से कुछ नहीं बात करती थी, अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी। तो अब वो जब गाना वगैरह गा लेती है तो उसके बाद वो थक जाती है और वो बीमार हो जाती है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इनको माइल्ड सा फीवर है जो शायद एक्सर्शन की वजह से हो गया और वो शायद सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह जब होती है तो ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी होती है, मीन्स वेरी सैडली शी हैज लेफ्ट द वर्ल्ड, और उनके हाथ से जो रोजरी है वो गिर चुकी है और ग्रैंड मदर सबको छोड़कर जा चुकी होती है। तो अब ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट होता है सबके लिए। फाइनली उनके फ्यूनरल की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उनको जब वहां से उनके रूम से ले जाया जा रहा होता है, उसके बाद जब उनका रूम खाली हो जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज कम अगेन एज एवरीडे रूटीन दे डू कम देयर, और वहां आती है और बिना कोई आवाज किए। जब पहले स्पैरोज उनके घर पे आती थी तो बहुत शोर शराबा करती थी, बहुत ची ची करती थी, बट जब आज आती है, जिस दिन ग्रैंड मदर की डेथ हुई है उस दिन वो स्पैरोज जो है वो बिल्कुल चुप होती है, एक स्पैरो भी आवाज नहीं कर रही होती है। और सारी स्पैरोज वहां आती है, उनको लगता है कि शायद ये रोटी के टुकड़े खाने के लिए आई है। तो ऑथर की जो ग्रैंड सॉरी मदर होती है वो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके डालती है, बट कोई भी स्पैरो कोई भी रोटी को नहीं खाती है, बिल्कुल वो सब वहां आती है। वो चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, ग्रैंड मदर की डेथ को मौन करते हैं और उसके बाद सारी स्पैरोज जो है वो उड़ जाती है। तो अब यहाँ पर जो ये स्टोरी है वो एंड हो जाती है, लेकिन बहुत गहरा एक मैसेज हमें देकर जाती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो घर में निग्लेक्ट होने लगते हैं क्योंकि उनकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है और उनको भी उनसे बातें करनी है, उनका टाइम चाहिए। तो सेम हैपन्स विद खुशवंत सिंह, ही कैन नॉट बी ब्लेम, ही हैड टू गेट एजुकेशन, ही हैड टू गो टू अब्रॉड, ही हैड टू गो टू हिज कॉलेज एंड स्कूल एवरीवेयर। तो ग्रैंड मदर के मन में क्या चलता रहता है उस बिटवीन में, उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो ये खुशवंत सिंह ने अपनी और अपनी ग्रैंड मदर की बॉन्ड को दिखाया है कि वो किस तरह का बॉन्ड शेयर करते थे। मतलब वो ज्यादा तो बॉन्ड उनकी ग्रैंड मदर की तरफ से ही था, हमें यही लगता है। तो आई होप आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, यू विल स्टार्ट गिविंग सम मोर टाइम टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि आप थोड़ी देर उनके साथ बैठेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।